हाय गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, जहां मैं आपके साथ काफी टाइम बाद एक हॉरर एपिसोड लेके आई हूं। जी हां, और ये एपिसोड हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन से रिलेटेड है। और ये इंसिडेंट खुद जिन ने आर्मी के साथ काफी टाइम पहले शेयर किया था, और ये स्टोरी ना मुझे पर्सनली काफी स्कैरी लगी है। एंड आई होप कि आपको भी ये स्टोरी काफी पसंद आएगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस हॉरर एपिसोड को। तो जिन ने अपने स्टोरी को शेयर करते हुए बताया था कि एक रात वो हमेशा की तरह अपने रूम में सो रहे थे, और उस वक्त वो अपने रूम में एकदम अकेले थे। बाकी जो मेंबर्स थे वो उस वक्त बाकी रूम में सो रहे थे, क्योंकि बीटीएस के जो मेंबर थे वो प्रैक्टिस के दौरान काफी थके हुए थे, इसलिए वो काफी टायर्ड होने की वजह से किसी भी रूम में बिना सोचे समझे सो जाते थे। और जिन भी एक रूम में थे, और वहाँ पर जिन एकदम अकेले थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जिन को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है। उन्हें किसी के हाथ अपने पैरों पर फील होते हैं। जिन ने सोचा कि शायद वो जंकूक हैं, जो इस रूम में आकर सो गए हैं, इसलिए वो लाइट्स को ऑन करते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि वहाँ पर असल में है कौन। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर जिन को काफी अजीब लगा और वो काफी डर भी गए थे। लेकिन जिन ज्यादा न सोचकर थके होने की वजह से वापस जाकर सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जिनको हॉल में से चेयर के नीचे गिरने की आवाज आती है। जिन बिना देरी किए सीधा हॉल में जाकर चेक करते हैं कि आखिर वो आवाज किस चीज की थी। लेकिन जिनको हॉल में कोई भी चेयर नीचे गिरी हुई नजर नहीं आती। जिन ने कहा कि वह उस टाइम काफी डर गए थे और उनके अलावा और कोई भी मेंबर जगा हुआ नहीं था। लेकिन अगले ही पल जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी डर जाएंगे। जिन जब लाइट्स को ऑफ करने जा रहे थे तभी उन्हें काफी डरावनी सी परछाई नजर देती है। उन्हें कर्टन के पीछे किसी के पैर नजर आते हैं। ये देखकर जिन काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो पैर गायब हो जाते हैं। जिन ने कहा कि उन्हें लगा ये उनका वहम है, लेकिन आज भी ये उन्हें इंसिडेंट याद है। वो इस स्कैरी इंसिडेंट के होने के बाद काफी डर गए थे और बाकी मेंबर्स के साथ जाकर सो गए थे, क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था। और उन्होंने ये बात बीटीएस के बाकी मेंबर्स के साथ भी शेयर की थी, लेकिन उस टाइम उन मेंबर्स ने उन पर बिलीव नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि जिन शायद जोकिंग कर रहे हैं, वो शायद सीरियस नहीं है। एंड गाइस, कई सारे केपॉप आइडल्स ने भी शेयर किया है कि कई सारी केपॉप कंपनीज हॉन्टेड है एंड वो काफी ज्यादा स्कैरी है। कई सारे केपॉप आइडल्स के साथ काफी क्रिपी इंसिडेंट हो चुके हैं, और बीटीएस के तो कई सारे मेंबर्स के साथ ऐसे अजीब इंसिडेंट हुए हैं, जिनको मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में शेयर किया है। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको कमेंट्स में लिंक मिल जाएगी। तो ये थी हमारे प्यारे बीटीएस के मेंबर जिन की स्कैरी हॉरर स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज के लिए प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।